जरूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी तो ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। जो आदमी भोजन करते समय ही मुँह खोलता है वो 100 साल के सुख को 1 साल में ही प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज़्यादा मुँह खोलने से ज़्यादातर समस्या हमारे जीवन को पीछे खींचती हैं। पैसों का मोहताज नहीं होती हैं खुशियाँ। जिस घर में सब मिलजुल कर प्यार से रहें वो घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। मोह खत्म होते ही होने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हों या जिंदगी। मेरे हालात तो एक दिन सुधर ही जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे फंसाने होंगे। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। कोई खबर ना ले तो बुरा मत मानना। इस दुनिया में खबर लेने वाले कम, खबर फैलाने वाले ज़्यादा हैं। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें मतलब की बात करनी होती है तो वे कितनी अच्छे से बात करती हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी के नियम थोड़ा उल्टे हैं। यदि आप आसान चीज़ें करते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, यदि आप मुश्किल चीज़ें करते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कुछ कागज़ रद्दी बन जाते हैं, कुछ कागज़ धार्मिक ग्रंथ बन जाते हैं। कीमत कागज़ की नहीं होती, उस पर लिखे गए शब्दों की होती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कीमत तन की नहीं बल्कि गुण की होती है। अगर आपने सफ़र शुरू ही कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता उतनी ही दूरी में मंजिल मिल जाए। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। एक दिन सागर ने नदी से पूछा कि कब तक मिलती रहोगी मुझ खारे पानी से? नदी ने हंसकर कहा, जब तक तुझमें मिठास ना आ जाए। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लो। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। आपके ऊपर जो भी अभी बुरा टाइम है वह अभी चला जाएगा, बस आप शांत रहो। जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले, कोई दिल से खेल गया तो कोई ज़िंदगी से। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े का उत्तर था, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी हो तो उसे किस बात की गर्मी होगी। न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है ये पता होना बड़ी बात है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत होता है। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हों दिल से उतर ही जाते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भी भरोसा मत करना। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर रहती है। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाएं कि दरवाज़ा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती,
लेकिन एक मिनट सोच समझ कर लिया हुआ फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो मज़ा क्या है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यूं ही नहीं होती, हाथों में लकीरों के आगे उंगलियाँ। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत दी है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा हो परंतु कीमती और अनमोल होना चाहिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। वक्त के साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आगे की ज़िंदगी का रास्ता दिखाते हैं। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश ज़रूर कर लें। रिश्ते की डोर तब कमज़ोर होने लगती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्ते को खोना नहीं चाहता। एक अनजाने में छोटी सी हुई गलती बरसों पुराने रिश्ते तबाह कर देती है। आजकल के लोग कितने अजीब हैं, गलती होने पर माफ़ी नहीं मांगते और रिश्ते तोड़ देते हैं। पत्तों सी हो गई है रिश्तों की उम्र, आज हरे हैं कल पीले होंगे परसों सूख जाएंगे। बड़े अजीब हो गए हैं रिश्ते, आजकल सब फुर्सत में हैं पर किसी के पास समय नहीं है। उंगलियां ही निभा रही हैं मोबाइल पे रिश्तों को आजकल। युवा को अब निभाने में बड़ी तकलीफ होती है। रिश्ते को बचाने का एक तरीका है अपनी गलती को मान लेना। सच्चा प्यार वही होता है जो अपनी गलती ना होने पर भी अपना रिश्ता बचाने के लिए सॉरी बोल देता है। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर होता है, क्योंकि अकड़ सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसमें रिश्तों की फिक्र होती है। अपना रिश्ता बचाने के लिए झुको, लेकिन इतना भी नहीं कि जहां आप एक कदम सही हो वहां भी आपको बार बार सफाई देनी पड़े। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उन्हें निभाने के लिए सच्चा दिल चाहिए। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मतलब के लिए कभी किसी से रिश्ता नहीं रखा, और जिसके साथ सच्चे दिल से रिश्ता रखा उसने कभी समझा ही नहीं। इंसान तब तक सहन कर सकता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो रिश्तों की जरूरत समझता है और ना ही अपनों की। अगर हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये अनिवार्य है कि हम समय की कीमत को समझें। मिली थी ज़िंदगी किसी के काम आने की, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने में। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे मन का होना चाहिए। जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से वो रिश्ता ही निकाल देता है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वक्त पराया है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। वक्त बड़ा धारदार होता है जनाब, कट तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बाद। ज़िंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक खराब घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बताती है। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा लौट कर, क्या पता मैं तुझे हंसाऊं या रुलाऊं। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। घर बड़ा हो या छोटा, अगर घर में मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, घर में चींटियां भी नहीं आती। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंक दे तो भी वह बुझ जाए। ज़िंदगी ऐसे जियो कि अगर आपकी कोई बुराई भी करे तो दूसरा उस पर विश्वास ना करे। परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाएं कि दरवाज़ा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। यह मायने नहीं रखता कि आप गलत रास्ते पर कितनी दूर चले गए हैं, वापस मुड़ने की संभावना तो हमेशा ही होती है।
आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास तो नहीं आग बुझाई देती है। किसी ने फूल से पूछा, जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस मन बदल गया है जनाब, बाकी रिश्ते आज भी वही हैं जो एक कल थे। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कैसे भरोसा करूं गैरों के प्यार पर, यहाँ अपने ही मज़े लेते हैं अपनों की हार पर। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा।